बिहार का चुनाव क्या मुद्दों पर है या जाति धर्म पर है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जाति धर्म मुद्दों से बड़े हो गए हैं? क्योंकि दो दौर का चुनाव निमट चुका है और तीसरे दौर का चुनाव आगे खड़ा हुआ है। जाति धर्म ही सबसे ऊपर है बीजेपी के लिए या विपक्ष के लिए, या फिर विकास के मुद्दों पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। मेरे साथ शहर के बुद्धिजीवी हैं और जानेंगे इनसे कि क्या वास्तव में जाति धर्म विकास से ऊपर है। सर अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अनिल कुमार। अनिल जी, चुनाव क्या जाति धर्म पर ही पूरा लड़ा गया है या विकास के ऊपर लड़ा जा रहा है? जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर ही इलेक्शन होना भी चाहिए, लड़ना भी चाहिए। जाति के मुद्दे या सब चीज़ें जो है सामाजिक हैं, वो ताना बाना बाद में देखा जाता है। मुद्दे तो वही होने चाहिए राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय एकता, विकाश और इन सब मुद्दों पर होना चाहिए। तो कहीं दिखाई दिए ये मुद्दे? शायद फर्स्ट और सेकंड फेज में नहीं दिखाई दे रहा ये मुद्दे। नहीं दिखाई दे रहे ना। अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड फेज की और तीसरे फेज की, सब जातीय समीकरणों में उलझा हुआ चुनाव दिखाई दिया। जिसकी जो जाति थी वहाँ पर डाल लिया। आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष जातीय मुद्दों पर लड़ रही है या भारतीय जनता पार्टी? ज़्यादातर अगर देखा जाए तो अपोजिशन जो है वो अपने ग्रुप वाइज में बटा हुआ है। उन्होंने एकता भी इसी तरह से करी है, जैसे यादव समाज हो गया, कोई और समाज हो गया, समाज के जितने उन लोगों ने अपने अपने को बांट के उस हिसाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहाँ उनकी बहुलता है उस हिसाब से उनको उन्होंने ग्रुप के व्यक्ति को विशेष को खड़ा किया और इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस तरह का माहौल है। और बीजेपी? बीजेपी का थोड़ा सा यह है, वो भी दो चीज़ मुद्दों पर चल रहा है जहाँ उसे चलना चाहिए विकास और राजनीति, ना सोच के उसने जो है दूसरे मुद्दे सोचे। जैसे अब वो अंतर तो सबको दिखाई देता है, मुस्लिम समीकरण जो आता है कहीं कहीं मुद्दों पे उन्होंने ही मदद करी। ऐसा नहीं कि उन्होंने, भाजपा ने मुस्लिमों को कोई फैसिलिटीज देने से रोका हो, सब दिए जा रहे हैं। जो भी जिसने भी अप्लाई किया उन सबको मिल रहा है, तो मुद्दे तो नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तैमूर अली है। तैमूर, ये बताइए कि क्या चुनाव मुद्दों पर दिखाई दे रहा है कहीं या जाति धर्म पर ही टिका हुआ है अभी तक? जैसा भाई साहब ने कहा, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कहीं कहीं तो ज़्यादातर निकल रहा है जाति मुद्दों पे तो नहीं है, मगर विकास की तरफ, विकास की बात भी हो रही है, थोड़ी बहुत चल रही है। मगर वो फर्स्ट और सेकंड वाला जो भाई साहब ने कहा वो मैं भी उसको मानता हूँ। थर्ड में देखते हैं क्या होता है। हमारे यहाँ तो अभी तक जैसा चल रहा है बस राम भरोसे चल ही रहा है, कुछ पता नहीं है कौन किधर आ रहा है कौन किधर जा रहा है। एक बात तो क्लियर कट है, अगर मैं मेरठ की बात करूँ या फर्स्ट फेज में कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर या सहारनपुर, पता लगा है कि मुसलमान एक तरफ जा रहा है, हिंदू एक तरफ जा रहा है। ये चुनाव देखे हुए बहुत टाइम हो गया जब हिंदू भी एक ही जगह वोट डाल रहा है और मुसलमान भी एक जगह वोट डाल रहा है। ये है, आप सही बोल रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम दो भाग में बटे हुए हैं। जो मुस्लिम प्रत्याशी है उसकी तरफ ज़्यादातर मुस्लिम ही है, और देखा जाए तो हिंदू प्रत्याशी को भी मुस्लिम वोट कर रहे हैं, मगर उसमें डिपेंड कर रहा है वो भाजपा का प्रत्याशी है या गठबंधन का प्रत्याशी है उस चीज़ में। ये विरोधाभास क्यों है? ये विरोधाभास कहीं ना कहीं देखा गया है, जातीय समीकरण भी, और दूसरा ये है कि धार्मिक बातें, धार्मिक भावनाएं लोगों की। कई बार जैसे अभी हमने एक वीडियो देखी, मोदी जी ने कहा मन से कि आपसे पहले की जो सरकार थी उसने ये कहा कि देश की संपत्ति पे पहला हक मुसलमानों का है। उस चीज़ को देखते हुए भी लोगों पर बहुत फ़र्क पड़ा है, हालाँकि वो चीज़ नहीं है उसमें। अगर पूरा देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री का बयान देखा जाए तो उसमें माइनॉरिटी के लिए कहा गया था, सब चीज़ जो पिछड़े हैं उनके लिए कहा गया था सभी को। एक वीडियो कल ही रिलीज़ हुआ है फरुखाबाद से, सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं और वो ये कह रही हैं वोट जिहाद कर दीजिए। वो गलत कह रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी को देखो, प्रत्याशी कैसा है, किसी भी पार्टी हो, अच्छा प्रत्याशी हो, अपने विकास के मुद्दों पर लड़े, अपने जो उसका पिछला होमवर्क है उसको देख के उस चीज़ पर लड़े हो तो उसे वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी वोट दे दूँगा। क्या नाम है साहब? मेरा नाम मोहित कुमार है जी। मोहित कुमार, आपको क्या लग रहा है जाति धर्म इस चुनाव में ज़्यादा हावी हैं या विकास के मुद्दे? कहीं आपको ऐसा लगा कि विकास के मुद्दों पर वोट दिया जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि पार्टियाँ कोई भी हो, मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं लोकतंत्र के देश का नागरिक हूँ और मुझे आज़ादी है अपना मतदान अपने अधिकार से करने का। मैं सभी नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि भाई, कोई भी व्यक्ति राजनीति को कभी धार्मिक मुद्दा ना बनाइए। राजनीति आपने करनी है विकास की कीजिए, राजनीति आपने करनी है अब रोजगार की कीजिए, देश को जो है आगे ले जाने की राजनीति आप करें, ना कि धार्मिक मुद्दों को लेकर। अगर बात आती है हिंदू मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम की बात पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है, इस देश में सभी जाति और सभी धर्म रहते हैं और सभी मिलकर जो है सरकार बनाते हैं। तो ऐसा जो जनप्रतिनिधि हैं
उनको जो है अपने शब्दों को अवलोकन करने के बाद, मंच पे खड़े होने के बाद और जनता के बीच में उन शब्दों को तब बोलना चाहिए, पहले सोच समझ लेना चाहिए कि मैं क्या क्या रहा हूँ। अभी जैसा कि आपने कहा कि जो उनकी भतीजी वो कह रही हैं कि जी जियाद पर वोट कर दीजिए, भाई आप एक व्यक्ति होकर जो है इस तरीके के कमेंटमेंट करते हो, बदनाम कौन होता है? पूरा समाज, पक्ष हो या विपक्ष हो, वो कहता है कि जी देखिए ये विपक्ष ये करा रहा है, वो कहता है कि पक्ष ये करा रहा है। हालांकि उन्होंने अपना व्यक्तिगत रूप से एक स्पीच दे दी कि भाई आप जो है जिहाद को वोट कर दीजिए। जिहाद है क्या? पहले तो उनको जो है वो जनप्रतिनिधि के रूप में वहाँ खड़ी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जिहाद होता क्या है। कभी जिहाद ने ये नहीं कहा कि आप अपने मुल्क के या अपने वतन के अंदर किसी हिंदू मुस्लिम के दंगे को करा करके जो है राजनीति करें या देश को आगे बढ़ाएं। कोई धर्म, कोई मजहब या कोई गीता, कोई कुरान कभी ये नहीं कहता कि आप दंगे कराकर राजनीति करेंगे। और मैं कहता हूँ कि चाहे वो पक्ष में भी हैं, सत्ता पक्ष के भी कुछ नेता हैं जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, भाई ऐसे नेताओं को मेरा सर्वोच्च न्यायालय से भी और जो निर्वाचन आयोग है उनसे यही मेरी मांग है कि इन पर जो है तुरंत वो पाबंदी लगाएं और उनको पूरी तरह से पाबंद करें कि भाई इस तरीके की अगर आप बयानबाजी करते हैं तो आप राजनीति में नहीं आ सकते हैं। राजनीति जो होती है वो एक समाज सेवा है। जो जिन्हें धर्म का आधार फायदा लग रहा है वो धर्म कर रहे हैं, जो मुद्दे के आधार पर राजनीति करना चाहे वो मुद्दे के भी जिक्र। कौन कर रहा है मुद्दों के आधार पर? सरकार भी कर रही है। अच्छा, हमें तो सरकार के ऐसे काम है जो आंखों देखे दिख रहे हैं, सड़क चौड़ी हो रही है, पुल बनने हैं। तेजित हो गए इमरान मसूद के नाम पर। हाँ, वो कह रहे गलती से गलत बयान दे दिया, उन्होंने शब्द गलत बोले, ये कहते गलत बयान दिया तो सही था। अभी ने कैसे सपना आके गलती से दिया उसने गलत बयान, हो सकता उसकी राजनीति ये हो। अच्छा, मोदी जी ने जो बयान दिया था मंगल सूत्र वाला, उसमें क्या रहा है आप? वो भी गलत है, उसमें गुस्सा आता है? अरे हम गुस्से में तीन में ना तेरे में, गलत है बस, बात खत्म हो गई। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। मंजू जी, आप मुझे ये बताइए कि जो चुनाव आप देख रही हैं इस समय एज अ लेडीज लेडी, आपको क्या लगता है कि मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है, धर्म के आधार पर चुनाव हो रहा है? नहीं, क्यों नहीं ज्ञान है? नहीं, हस्बैंड यही समझते हैं कि मैडम्स को ध्यान नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं जवाब दे के साबित करें कि ज्ञान है। नहीं नहीं, बस मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। चुनाव कैसा लग रहा है? चुनाव ठीक है, लेकिन जितना लोगों को ना वोट देना चाहिए, लोग लापरवाही के कारण वोट नहीं दे रहे हैं। गर्मी है, ये है, गर्मी तो सबके लिए है, तो वोटिंग मेरे को लगता है कि कम पड़ी है। उसका कारण क्या मान रही है? एक तो लोगों का ना और चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है, मैं देखती हूँ कि जैसे जो मतदान होना चाहिए ये तो हमारी बहुत बड़ी वो है, अमूल्य संपत्ति है जिसको कहना चाहिए, लोग बहुत इसका महत्व नहीं समझते हैं, महत्व नहीं समझते हैं। आना जी, कहीं आपको ये लग रहा है कि ये चुनाव मुद्दों पर हो रहा है या धर्म के आधार पर हो रहा है? मुद्दों पर होना चाहिए या धर्म के आधार? देखिए, आइडियलिज्म अलग चीज़ है और ग्राउंड रियलिटी अलग चीज़ है, दोनों में इस वक्त ज़मीन आसमान का अंतर है। ग्राउंड पे जो चुनाव हो रहा है उसमें जातीय समीकरण हावी हैं और उसमें धार्मिक पोलराइजेशन भी हावी है। जैसे अभी कोई कह रहे थे कि जिनको जाति के आधार पर डिवाइडेशन में लाभ होता दिख रहा है तो वो जाति के आधार पर बांटने में लगे हुए हैं, और जिन राजनीतिक दलों को धर्म के आधार पर पोलराइजेशन में लाभ दिखता है तो वो धार्मिक पोलराइजेशन में जुटे हुए हैं। जनता के जो मुद्दे हैं वो क्या हैं? एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के कोई लामबंदी दिखाई नहीं देती, ग्राउंड पे कोई नेता बात करता हुआ दिखाई नहीं देता। मेरठ में जहाँ हम बैठे हुए हैं, या हाईकोर्ट बेंच एक बड़ा मुद्दा है, वकीलों की कोई सभा पूरे पहले दो चरण के चुनाव के दौरान कहीं दिखाई नहीं दी, कोई प्रत्याशी कोई नेता वकीलों के बीच में नहीं गया और ये बात नहीं की कि हाईकोर्ट बेंच बननी चाहिए। अगर मुद्दा था तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विभाजन एक बड़ा मुद्दा था। 2014-19 के इलेक्शन में धार्मिक पोलराइजेशन, चूंकि 14 का इलेक्शन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद का इलेक्शन था, 19 का इलेक्शन पुलवामा के बाद का इलेक्शन था, तो कम्युनल पोलराइजेशन बहुत सतह पे था और यहाँ से जो हवा चली उसने पूरे देश को चपेट में ले लिया। अभी जातीय इक्वेशन, जब मोदी जी मेरठ में रैली करने आए थे तो उन्होंने जो मंच सजाया था यहाँ, वो मंच की सज्जा 2014-19 के मुकाबले डिफरेंट थी। हर जाति के छत्रप को मंच पे जगह दी गई, वहाँ ओम प्रकाश राजभर बैठे थे, वहाँ हरियाणा के पटेल बैठी थी, नायब सिंह सैनी बैठे हुए थे वहाँ, वहाँ उसी मंच पे सारी संजीव बालियान, डॉक्टर संजय निषाद थे,
निषाद पार्टी के, तो इस तरह से वो मंच पे जो जगह दी गई वो भी अलग अलग जाति के नेताओं को देख करके कास्ट के हिसाब से दी गई, क्योंकि मोदी जी इस देश की पॉलिटिक्स की नब्ज को बेसिकली समझते हैं और वो समझ रहे थे कि मंदिर का मुद्दा हो या कम्युनल पोलराइजेशन का मुद्दा हो वो काम नहीं कर रहा है। अल्टीमेट कैंडिडेट्स के चयन में भी जातियों का ध्यान रखा गया, इक्वेशन बिठाए गए, सहारनपुर में ब्राह्मण उतार रहे हैं, मेरठ से वैश्य का काट रहे हैं तो वैश्य का काट के बैलेंस करेंगे तो गाजियाबाद में वैश्य को दे देंगे, कहाँ ठाकुर देना है, कहाँ ब्राह्मण को टिकट देना है, कहाँ जाट को टिकट देना है। तो क्यों बहुत जगह पे हम देखते हैं कि लगातार पार्टियाँ, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, वो कैंडिडेट्स की कास्ट तक बदलने का साहस नहीं जुटा पाए। मुजफ्फरनगर से लगातार तीसरी बार जाट कैंडिडेट मैदान में है, कोई कास्ट इक्वेशन चेंज नहीं हुआ वहाँ पर। हम देख रहे हैं कि अमरोहा में हार गए थे कंवर सिंह तंवर, उनको पिछली बार पीट किया गया, पिछली बार भी हार गए थे, पहले एमपी रहे वो। ठाकुरों का विरोध था कहीं और भारी पड़ जाए, ठाकुरों का विरोध ना भारी पड़ जाए। तो इस तरह से कास्ट इक्वेशन को हर एक पार्टी ने साधने की कोशिश की है। और जैसे वो मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है कि साहब छतें हिंदू मुसलमान हो गई, तो हिंदू मुसलमान क्या, छतें तो जातियों में बट गई, भाई भाई के बीच में, पड़ोसियों के बीच में जातिगत बंटवारा दिखता है। और यही ये चुनाव फंस गया है बेसिकली, यही चिंता बढ़ी है विपक्ष की भी और यही सत्ताधारी दल की भी। एक पोलराइजेशन, एक 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 कंसोलिडेशन मुझे दिखाई देता है कि मुस्लिम जो है वो हर एक सीट पे सपा और कांग्रेस के गठबंधन के साथ इंटैक्ट दिखाई देता है। जातीय और धार्मिक जो चुनाव हैं वो पिछले 15 साल से चलते आ रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं है, वही ट्रेंड है, वही चल रहा है अभी तक भी। 15 साल से नहीं, मैं तो कहूँगा जब से चुनाव हुए शायद इसी हिसाब से चलता चला जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जातीय और धार्मिक राजनीति जो है शुरू से आ भी रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि राम मंदिर हो चुका, अभी दूसरा मुद्दा आने वाला है, कृष्ण जन्मभूमि का आएगा, फिर वाराणसी का आ जाएगा, तो वो चलते रहेंगे। लोग बाग अपना राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए धर्मों का सहारा लेते रहेंगे और लेते आए हैं और आगे भी ऐसा चलता रहेगा, मुद्दे कहीं नहीं दिखेंगे। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि दो चरण का चुनाव तो देख लिया यहाँ के लोगों ने, लेकिन अभी तीसरा चरण बाकी है, चौथा, पांचवा, छठा। अब वहाँ मुद्दों की राजनीति होगी, या फिर जैसा डॉक्टर रविंद्र राणा ने कहा कि ये अगर थोड़े दिन लेट होता मेरठ का चुनाव तो संविधान का इशू बहुत बड़ा होता। हालांकि इस चुनाव में पहले दूसरे चरण में संविधान को ली गई की गई बातों पर भी वोटिंग हुई है। मजा क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये 4 जून को पता चलेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, तीसरे चरण का मतदान भी जल्द ही होने वाला भी है। ऐसे में तीसरे चरण में धर्म, जाति और अलग अलग मुद्दे भी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। कौन किसके साथ जुड़ेगा, क्या परिणाम आने वाले हैं, तमाम चीज़ें, और तमाम चीज़ों पर अलग अलग राय भी जनता के निकल करके सामने आती है। ऐसे में बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों से जानेंगे कि आखिर अब चौथे चरण से पहले जो तीसरा चरण होना है, इस चरण में क्या मुद्दे होंगे, इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं आइए लोगों से। भाई साहब, क्या लग रहा है अब तीसरे चरण का मतदान, धर्म, जाति, छड़ी, अपमान, राम मंदिर इस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्या ये सब प्रमुख मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा विकास, भारतीय जनता पार्टी का कभी भी मुद्दा विकास रहा है, और इस बार भी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी जिस राह पे चल रही है उस राह पे हम लोग प्रचंड बहुमत से सीट जीतने जा रहे हैं। 400 पार सीटें आ रही हैं पूरे भारत में। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कमल नहीं है, चुनाव चिन्ह छड़ी है। देखिए, वो हमारे घटक दल हैं और घटक दल को जो चुनाव चिन्ह मिलेगा मैं उस पर जनता से अपील करूंगा कि उनको भारी से भारी मतों से जिताने काम करें। वो हमारे सहयोगी दल है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर काम करने जा रही है। कांग्रेस ने भी थोड़े दिन पहले ये कहा कि द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति हैं उनको राम मंदिर का निमंत्रण इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो उस बिरादरी से आती हैं, उनका अपमान किया गया है। नहीं, सब भी अब शुरू होता हुआ नहीं, संवैधानिक पद है और उनके आने का मतलब जो प्रोटोकॉल रहेगा प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। तो आज हमारी राष्ट्रपति महोदया श्री राम जी के भव्य दर्शन कर रही हैं और भगवान श्री राम जी की कृपा से इस बार भी हम लोग पूर्ण बहुमत से जिस सीटें जीतने जा रहे हैं, 400 पार सीटें आने वाली है इस पूरे भारत में, और हमारे NDA के जितने भी घटक दल हैं सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड सीटों से जीतने जा रही है। और मैं 4 जून को, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि 4 जून को इसी दारू सफा के मंदिर में भव्य कार्यक्रम करेंगे हम लोग और 400 पार सीट जीतने का नारा भी लगाएंगे। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह और मोदी जी खा गए। 2024 में इन्होंने
ऐसा ऐसा बोल करके छठिया गए हैं। सब कहते हैं 60 साल के बुढ़वा हो जाता है हिंदुत्व में तो छठिया जाता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी छठिया गए हैं। कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी उसका मंगलसूत्र बिछवाते हैं, कभी जो है बच्चों के नवयुवा बच्चों को कहते हैं कि नहीं नौकरी नहीं देंगे हम तुमसे, जो है वो RSS का झंडा ढवाएंगे। प्रधानमंत्री के गुप्तचर रिपोर्टर जो है उनको सूचित कर दिए हैं कि प्रधानमंत्री जी अब आप भागने का प्रयास करिए। किस जगह भागोगे, नीरव मोदी वाले जगह पे जाओगे कि गुजरात जाओगे, क्योंकि अब भागने का रास्ता बना लो, क्योंकि 2024 में राहुल गांधी आ रहे हैं। हाँ, तो उनके गुप्तचर रिपोर्टर से वो सूचना पा चुके हैं, इसीलिए कह रहे हैं ये बताओ इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सोच रहे हैं अब इन्हें सिफारिश करना चालू कर दे कि हमको बचा लेना, जेल में मत भेजना। तो अब ये बात उठाना चालू कर दिए हैं जनसभा में कि इंडिया गठबंधन में कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, कि हम उसके नतमस्तक अभी से होना चालू हो जाएं कि हमको जेल ना भेजना। मैं 80 साल का हो गया हूं और जिंदा रहूं, नहीं तो हार्ट अटैक पड़ जाएगा हमारा। नहीं तो ऐसे मुद्दे नहीं रहे आपको लगता है? अभी हमारा सब मुद्दा है, हमारा मुद्दा मेन मुद्दा क्या है, नौ युवा को 30 लाख प्रतिवर्ष नौकरी देना कांग्रेस का मुद्दा है, ठीक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में कहीं दर्शाया नहीं नौकरी देने का नौ युवा को। और इनका भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है कि मैं संविधान बदल दूंगा, और हमारा मुद्दा है संविधान कोई छू नहीं सकता है। बाबा भीमराव बदलने को तो नहीं कहा, नहीं, आप नहीं, जैसे नहीं, उनके ऊपर आरोप लगता है कि आपने मतलब उन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो बदलने की बात कही, सांसद जी लल्लू घोषणा पत्र की बात, फैजाबाद सांसद बोले घोषणा पत्र की बात, घोषणा पत्र हम क्यों, जब उनके नेता बोल रहे हैं 400 पार लेकर के आओ मैं संविधान बदल दूंगा, एक भी वोट नहीं पाएंगे ये दलित, क्योंकि वो बाबा भीमराव अंबेडकर का कसम खा चुके हैं जितने दलित हैं कि मैं एक वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दूंगा। ये हमारे भीमराव का अंबेडकर का जो संविधान लिखे है उनका ये अपमान कर रहे हैं मोदी जी कि मैं संविधान बदल दूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी वही है कि खिसियानी मनरिया वो खम्भा नोचने वाली बात, अब ये लोग इसी तरह गुलूल जुलूल की बात करेंगे, जनता के हित की बात इन लोगों ने कभी किया नहीं। और ये कह रहे हैं संविधान, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहाँ संविधान तो तुम लोगों ने बदला है, संविधान तो एक बार नहीं 2500 प्यारा संविधान बदला गया, संविधान में अनुच्छेद में इधर उधर किया गया, ऐसा कुछ नहीं, संविधान कोई नहीं बाबा साहेब का बदल पाएगा और ना भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, लेकिन संविधान की फिर से उसकी पुनर् वो होनी चाहिए, विवेचना होनी चाहिए, समझ गो कि क्या है कि आज संविधान के आधार पर, हम कह रहे हैं संविधान के आधार पर अगर होता 60 साल में आज दलित दलित रह गया, आज 80% दलित आज वही काम कर रहा है, सिर्फ 20% दलित दलित लोग यही कहना चाह रहे थे कि क्या तीसरे चरण में आरक्षण जात बिरादरी धर्म इस पे आ गया है चुनाव? विकास विकास तो बिजली पानी क्या विकास तो मैंने, लेकिन जो विकास के पहले ही लोग अवरुद्ध कर रखे हैं जो रास्ता को उसको खोलना तो पड़ेगा, जो विकास का जो पैमाना था वो दूसरी जगह चला जा रहा था, जिसको मिलना चाहिए वास्तविक लोग को नहीं मिल रहा था, उसकी भी विवेचना उसकी भी संरचना होनी चाहिए, उसकी संरचना हो रही भारतीय जनता पार्टी 2024 में। लोग चाहे जितना चिल्ला 20% लोग रहेंगे और 20% लोग नहीं चाहते हैं कि देश का कल्याण हो और देश का वो उद्धार हो, और देश की बात जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और कोई नहीं बनेगी। इन लोगों के क्रियाकलापों से 60 साल में तुम लोगों ने जो किया वो जवाब दीजिए। हाँ, तो सब कह रहे हैं कि सब हो रहा है, इसलिए जो है सब मुद्दों की बात भी जरूरी है। मुद्दों की बात का जरूरी है? मुद्दों की बात पे तो कहते हैं भाई 10 साल में क्या किया है वो भी तो बता दीजिए। कहते हैं अभी पैमाना खोलेंगे, क्या खोलेंगे, विकास कहाँ हुआ है? संविधान का संविधान देखिए, इन्हीं के नेता सब बोलते हैं, कोई हम लोग थोड़ी अपने तरफ से बनाया है। ये बताइए कि अब तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, जाति धर्म आरक्षण और ये इसके अलावा कि राष्ट्रपति को राम मंदिर नहीं बुलाया गया, अपमान किया गया, क्या ये विकास और पानी बिजली ये क्या मुद्दे नहीं रहे थे? नहीं, मुद्दे सब ये हैं, लेकिन देखिए उसको भटकाने के लिए सब मुद्दे उठाए जाते हैं कि उनको ये नहीं बुलाया। अभी राष्ट्रपति जी तो ही जा रहे हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए, हैं
तो जब बन गया, जब बनना था तब नहीं बुलाया, लेकिन जब बन गया है तब दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं एक एक करके। हाँ, हर राज्य के लगभग मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं वहाँ। तो आप सबका ध्यान हटाना है, धर्म के नाम से सबसे वोट लेना है, विकास के नाम से वोट लेना नहीं है, विकास को जरूरत है नहीं। यहाँ सब राशन खा रहे हैं फ्री फंड का, तो हाँ फ्री फंड का राशन खाएंगे। वो हम अमरीश पुरी का कहा वही फिल्म याद आती है, हाँ अरे वही कहा कि इनको फ्री खिलाते रहो और सादे कागज पे दस्तखत करा लेना बाद में, यही तो हो रहा है आजकल। ये तो अनर्गल प्रलाप लगाते ही रहेंगे, जैसे कि अभी कन्नौज में यहाँ जब डिंपल यादव निर्दलीय हो गई थी तब नहीं बोले 3200 सांसद हुए निर्दलीय, समझ गए, अगर किसी ने उठा लिया अपना पर्चा तो उस